नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ हितू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। प्रधान प्रत्याशी ने अपने गांव को कराया सैनिटाइज। जी हां, यूपी के बलिया जिला के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के चक खान बंगरा में विजयकांत राजभर प्रधान प्रत्याशी ने अपने गांव को सैनिटाइज कराया तथा अपने गांव के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने को कहा। वहां पर उपस्थित लोगों ने कहा कि वर्तमान प्रधान ने कोई भी काम गाँव में नहीं करवाया है, इसीलिए हम माननीय विजयकांत राजभर को तन मन से जिताने की कोशिश करेंगे। इस दौरान लाल बाबू राय, अशोक कुमार, उमेश विनोद, संतोष सरोज, रमेश, राजकुमार, राजू, गोलू, रविंद्र ठाकुर, रमेश प्रसाद राजभर आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए बलिया से विमलेश कुमार की रिपोर्ट। आप अपना नाम बताइए। संदीप खराब। आप जो अपने प्रधान प्रत्याशी थे, कितने प्रतिशत खुश हैं? खुश बात, जितने ये अपने मेहनत करे, मेहनत करते हुए उसके बल पर हम तो बहुत खुश हैं। इनके साथ जो है कि अभी तक अपने क्षेत्र में कहाँ कहाँ तक भ्रमण कर चुके हैं? भ्रमण तो रोज करते हैं जी। चलिए, आप अपना नाम बताइए। उमेश कुमार। आप जो है कि अपने प्रधान प्रत्याशी से कितने प्रतिशत खुश हैं? हम लोग बहुत खुश हैं। पूर्व प्रधान से, जो अभी वर्तमान में प्रधान है? हम लोग पुराने प्रधान से क्या खुश रहे कि जो हम लोग का गांव है जी, इसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। आपके यहाँ वर्तमान प्रधान कौन है? अजय खरवार है। खुश नहीं है? नहीं, हम लोग खुश नहीं है। गांव में जब काम ही नहीं होगा तो खुश हम लोग वोट देते हैं कामे के लिए। हम लोग का गांव में विकास हो गए, काम हो गए, नाली रहे, रोड रहे। तो विजयकांत राजभर जी से आप क्या उम्मीदें लगा रखे हैं? उम्मीदें यही लगाएंगे कि इनको जिताया जाए जी, ये अपना गांव का विकास करें जी, हम लोग उसी में खुश रहेंगे जी। आप अपना नाम बतलाइए। सरोज कुमार। आप जो है कि विजयकांत राजभर जी जो प्रधान प्रत्याशी हैं, इनसे आप क्या अपेक्षा लगाए रखे हैं? आप अपना नाम बतलाइए। लाल बाबू राय। आप जो है कि अपने वर्तमान प्रधान प्रत्याशी से क्या अपेक्षा लगा रखे हैं? मैं तन मन धन से इनके साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा जी, खड़ा रहता रहूँगा जी। आप जो है कि ये आपके साथ जो है कि हमेशा चल रहे हैं, आप इनके साथ चल रहे हैं, तो ये अपने गांव में कहाँ कहाँ तक भ्रमण कर रहे हैं और जनता से क्या जो है कि उम्मीदें बनवा रहे हैं? सब भावना के साथ घूमा जा रहा है जी, भाव में भाव मिला के चला जा रहा है और काम पे ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है कि काम काज में ज़्यादा काम हम अपने हाथ से अपने भविष्य में काम करें। ये जनता से क्या क्या वादे किए हुए हैं? वादा जो भी है समय से पूरा होगा, ये हमारी उम्मीद है कि विजयकांत जी हमारी बातों का अमल करेंगे। कोरोना महामारी को लेकर आप कुछ जनता से संदेश देंगे? कोरोना बीमारी से ये है, जरूरत काम पे अगर जरूरत पड़े तो बाहर निकलें जी, वो भी मास्क के साथ और 2 मीटर की दूरी बना के रखें, स्वास्थ्य ही सब कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। महिला को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुई मौत। जी हां, यूपी के बदायूं जिले में थाना इस्लाम नगर के ग्राम सुफैला गंज में सड़क पर महिला को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मृतक महिला का नाम कैलाशो देवी, पत्नी राम स्वरूप और उम्र 38 वर्ष बताई जा रही है। टक्कर लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए इस्लाम नगर से नितिन कुमार की रिपोर्ट। लाश मिली है, अभी परिजन आए नहीं है यहाँ पर, और मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर देख कितनी भीड़ है यहाँ पर। अरे आओ ना, कौन दोस्तों कर्मचारी आ जाए, ऐसी वीडियो होने से करी जाके बनी बहुत
भाकियों का धरना लगातार 11वें दिन भी जारी। जी हां, भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना 11 दिन भी जारी रहा। तहसीलदार बिलसी अशोक सैनी ने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं जल्द से जल्द किसानों की सभी समस्याओं को दूर की जा सके। उच्च अधिकारियों से लगातार वार्ता जारी है। वहीं जिला सचिव सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि कोई ये समझने की भूल ना करे कि ये धरना उठ जाएगा, जब तक सभी मांगे पूरी नहीं होती धरना निरंतर चलता रहेगा। देखिए उघती सरकी से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना विद्युत कटौती और समस्या को लेकर है, तो उसमें आपके द्वारा क्या समाधान किया? नहीं, अभी हमने एक्शन साहब हैं उनसे बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने लोग लगा रखे हैं, इवन ट्रांसफार्मर मंगा लिए हैं और वो चालित भी है, अभी जस्ट लोग लगे हैं, ये लोग संतुष्ट भी हैं, इनकी बात भी कराई हमने एक्शन साहब से, तो संतुष्ट है साहब, ठीक है आप शाम तक इसको आप कंप्लेन कर दीजिए और बाकी का मेरे पास और तो कुछ होता है नहीं। चार मांग थी, हाँ वो अलग मांग है, लेकिन तत्कालिक जो इनकी मांगे थी वो थी कि भाई हमारे यहाँ बिजली संचालित हो गई, चालू हो गए, उसमें एक्शन, इनके जो जेई साहब ये नहीं आता खड़े हैं, एक्शन साहब भी रेडी हैं, कल फ़ोन से बात भी की है, मेरे चार से समाधान हो गया, अभी बड़ी बात है। हाँ, ये बड़ी विषय है कि भाई इनको बिजली मिल जानी, इसके लिए प्रशासन भी बड़ा संवेदनशील है और होप की ये भी संवेदनशील चल रहा है। उनका निश्चितकालीन धरना चल रहा है और आपको कामयाबी मिली है, देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो नया ट्रांसफार्मर आया वो लगा भी है, तो क्या यहीं पर आपकी मांग समाप्त हो जाती है, आगे और भी आंदोलन चलेगा? अभी ट्रांसफार्मर बदलने की तो हमारी मांग ही नहीं थी, ये तो ये इनका बिजली विभाग का अपना काम था, पुराना लगा दिया था, वो उनको बदलना था, जो सप्लाई नहीं दे रहा उसको बदलना है, ये तो इनका काम था। हमारी प्रमुख मांग है जब तक धान की फसल नहीं कट जाती तब तक 24 घंटे निर्बाध बिजली सप्लाई चाहिए। दूसरी मांग है जो जीड़ छीड़ अभी लाइनें रह गई हैं उनको बदलना है। हमने विद्युत विभाग के अधिकारियों को, एसडीओ महोदय को, एक्सीएन साहब को, एसी चीफ साहब को, सबको लिखित दे दिया है। तीसरी मांग, इस्लाम नगर फीटर बहुत बड़ी लाइन है, उस फीटर को दो विभागों में बांटकर, दो भागों में करके उसकी सप्लाई अति शीघ्र चालू कर दें, जिससे लाई लेटा की फसल तो हो ही जाए, पिछली मेहनता की फसल मरवा दी विद्युत विभाग के अधिकारियों ने, गन्ने की फसल मरवा दी, धान की फसल बर्बाद करा दी, अब रह गई है तो भाई लेटा लाई की फसल तो आगे हो जाए, उस फीटर को जल्दी से जल्दी सुचारू कराएं बना करके। चौथा, गाँव में घरेलू बिजली का अलग फीटर है पीने की बड़ी तरी समस्या सरकार की ओर से, और नलकूपों का फीटर है, कृषि पोषक फीटरों का ठीक निर्माण कराया जाए, रात के 2 बजे कृषि फीटरों का ठीक निर्माण कराया जाए, ये मांग भारतीय किसानों की है। अच्छा, तो जो अभी तहसीलदार साहब कह रहे थे कि आपने इनकी जो आपकी कार्रवाई हुई है, जो भी लग रहा है इससे आप संतुष्ट हैं, तो क्या धरना आपका स्थगित रहेगा, आगे और भी चलेगा? नहीं, संतुष्ट होंगे, जब विभाग हमारे पक्ष में अगर काम करता रहेगा और सप्लाई की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं तो हम संतुष्ट हैं। और हमारा एक निवेदन और है दूसरा, ये अभी बदला जा रहा है, अभी सप्लाई बाधित हो रही है 2 या 3 दिन के लिए, अगर ये हमारे इसके उच्च अधिकारी विद्युत विभाग के अगर ये प्रयास कर लेते तो दूसरा जो ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि के लिए 10 MVA का आने वाला था वो और आ जाता, ये समस्या यहाँ खड़ी हो रही है, फिर 3 दिन की सप्लाई बाधित होगी, जो काम कल होना था वो आज भी हो सकता था, इसका मतलब ये उसकी तरफ ज़्यादा गौर नहीं कर रहे, किसान यूनियन आ जाती है काम चल जाता है, किसान यूनियन घर चली जाएगी, ये अपने उसमें लग जाएंगे लुटाफीरी में। और भैया आदमी की गिनती देखो तो तार पड़े हैं, खम्भे पड़े हैं, कम पड़े खम्भे और लाओ, और इस्लाम नगर फीटर तत्काल अभी इसमें अभी सप्लाई भी बाधित हो रही है, इसी में इनको करवा देना चाहिए। संतुष्टि पूरी है, आशा पूरी है, धरना तब तक चलेगा जब तक मांगों की पूर्ति नहीं हो जाती। भारतीय किसान यूनियन का धरना हो गया थी विद्युत केंद्र से, किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा और 21 तारीख की पंचायत में ये तय हो जाएगा कि हमारी महापंचायत यहाँ होगी अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो।
बड़ी तगड़ी भीड़ होने जा रही है। विश्व साक्षरता दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन। जी हां, राजस्थान के जयपुर जिले के सामोद थाने के चीथवाड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ी खबर। विश्व साक्षरता दिवस पर ग्राम पंचायत चीथवाड़ी में सुमन ब्लड बैंक के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंच चौथमल डागर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में उप सरपंच सुमन मीणा, महामंत्री छुट्टन यादव, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अनुराग शर्मा, डॉक्टर हनुमान बराला, छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रकला नागौरी, प्रिंस कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीमती सुषमा यादव, सुरेश सेरावत, लालचंद्र झाझड़ा, सुरेंद्र चौधरी, मोहन निठारवाल, मदन मीणा, राजेंद्र डागर, राजेश बुनकर आदि मौजूद थे। सुमन ब्लड बैंक एवं सरपंच साहब ने रक्तदान शिविर के आयोजक श्रवण घोषालिया, अजय घोषालिया एवं राकेश डागर का आभार प्रकट किया। देखिए जयपुर से संतोष यादव की रिपोर्ट। सामोद रिपोर्टिंग इंचार्ज अनु शर्मा के साथ आप देख रहे हैं कि आज चीतवाड़ी गांव में विश्व साक्षरता दिवस पर प्रथम विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और ये जो कार्य है ये इस समय ज्यादा जरूरी, इसकी अहमियत इसलिए ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पूरा देश महामारी से गुजर रहा है, कभी भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। तो ये सुमन ब्लड बैंक के तत्वावधान में जो प्रथम विशाल रक्तदान शिविर उन्होंने आयोजित किया, तो इनको तहे दिल से पूरे गांव की ओर से धन्यवाद। हम सभी जानते हैं रक्तदान महादान है और रक्तदान से हम किसी लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। और जब जिस काम में यूथ सक्रिय रहता है, क्योंकि यूथ जागेगा तो देश जागेगा और देश जागेगा तो हम अपने विश्व में हम अपने एक पहचान बना पाएंगे। आज ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यूथ नहीं कर सकता, यूथ हर कार्य कर सकता है। और जब जिसके साथ यूथ है तो दुनिया बदलने की ताकत रखता है यूथ। महत्वपूर्ण कार्य है, रक्तदान महादान है, बहुत बड़ा दान है, जिससे कई आदमी की जिंदगी बच सकती है और गौरव है जीवन में। कांग्रेसियों का भाजपा के खिलाफ अपना गुस्सा फूटा। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष नासिर हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कार्यालय गदरपुर के सामने दरिया बिछाकर त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इस धरने का मेन उद्देश्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो, इसी को लेकर कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार को घेरने का कार्य किया। नासिर हुसैन ने और अधिक जानकारी देते हुए कहा कि आज के दौर में युवा पढ़ा लिखा बेरोजगार घूम रहा है और प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार देने में नाकाम रही। इसी को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश में रोजगार के नाम पर देश के युवाओं को छला जा रहा है और कहा इसका विरोध उत्तराखंड में सभी जगहों पर सरकार के खिलाफ जारी है। ब्लॉक अध्यक्ष नासिर हुसैन ने कहा कि अगर भाजपा सरकार अभी भी नहीं जागी तो इनके खिलाफ और बड़े स्तर से प्रदेश में धरने किए जाएंगे। इस मौके पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। आज आपके द्वारा यहाँ पर ब्लॉक में धरना है, सर क्या है, क्यों है, किस लिए आपको धरना है? देखिए, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में त्रिवेंद्र सरकार आई है और जो इनके मैनोफेस्टो में था कि हम इतने इतने रोजगार देंगे, रोजगार के नाम पर प्रदेश भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है। कई बार धरना प्रदर्शनों के द्वारा चेताने के बाद भी भाजपा सरकार त्रिवेंद्र सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। इसी के तत्वाधान में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर ये आज संपूर्ण उत्तराखंड में धरना व प्रदर्शन का सभी ब्लॉक कार्यालय, नगर कार्यालय में यूथ कांग्रेस के द्वारा, किसान कांग्रेस के द्वारा, सभी कांग्रेस की जितनी हमारी इकाइयाँ हैं के द्वारा पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार को इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये चेतावनी दी जा रही है कि शीघ्र ही अगर आपने युवाओं के लिए अगर आपने रोजगार के पद सृजित नहीं किए तो आपको गद्दी छोड़नी होगी। अगर आपने रोजगार देने हैं आप रोजगार दीजिए, आप अपने ये वादा करके आप प्रदेश में आए थे कि हम जब सरकार बनाएंगे तो युवाओं को रोजगार देंगे। आज उत्तराखंड प्रदेश का युवा बेरोजगार प्रदेश सरकार की तरफ को मुंह ताक रहा है
आत्महत्या कर रहा है कि किसी तरीके से उसको रोज़गार मिले। प्रदेश सरकार पूर्ण रूप से रोज़गार देने में नाकाम साबित हुई है। इसी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जगह जगह ब्लॉक ब्लॉक नगर नगर में ये विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और अभी भी अगर प्रदेश सरकार नहीं चेती तो ये आंदोलन बहुत जल्द उग्र रूप धारण करेगा और युवाओं के लिए संघर्ष जारी रहेगा। ये थे अभी की कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए।